हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जिसका नाम है गीत्स पैराडाइज। और गीत्स पैराडाइज में आज मैं करने वाली हूँ हॉल। और हॉल के नाम से आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं किस ब्रांड का मैं हॉल करने वाली हूँ। हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, किसकी शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं, तो उसी का हॉल करूंगी। और वॉलमार्ट का, कि वॉलमार्ट में कितना सामान हमें हमारा लगता है, कितने पैसे लगते हैं, कितने डॉलर्स लगते हैं, अब तो डॉलर्स की बात होनी चाहिए, तो वो सब करेंगे। तो फटाफट से निकलते हैं वॉलमार्ट की ओर और करते हैं शॉपिंग। पूरी गाड़ी भर गई है सामान से, इतना सारा सामान ले लिया आज। तो आ गए हैं हम घर और यहाँ पर मैंने सारा सामान सजा दिया। आप देख सकते हैं कितना सारा सामान है, चटर पटर ज्यादा है इसमें। और अभी वेजिटेबल्स नहीं है, तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कितने की लेते हैं हम यहाँ पर ग्रॉसरी। तो अब घर पहुंचने के बाद बिना रेस्ट किए हुए मैं आ गई हूं आपको बताने कि हम लोग एक्चुअल में कितना पैसा खर्च करते हैं खाने पीने में। तो वॉलमार्ट से जो आज हमने शॉपिंग की, सो कॉल्ड शॉपिंग, तो उसमें वेजिटेबल इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं कहां से, फ्रूटीकैना से, क्योंकि फ्रूटीकैना हमारे घर के पास भी है, वॉकिंग डिस्टेंस में भी है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाती है एज कम्पेयर टू वॉलमार्ट, जो हमें लगा, और थोड़ी रीजनेबल भी मिल जाती है। और साथ में इंडियन वेजिटेबल्स के भी काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब इंडियन वेजिटेबल्स से मतलब है कि जो हम लोग इंडिया में खाते थे, जो इंडिया में इजिली मिलती है, तो वो यहाँ फ्रूटीकैना में भी मिल जाती है। तो इतनी बड़ी लिस्ट ये मेरी आज की लिस्ट है, इसे मैंने निशान भी लगाए हुए, कैलकुलेट कर रही थी मैं। और क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है जब भी आप स्पेशली इतनी बड़ी लिस्ट, इतनी बड़ी शॉपिंग करके आए, तो तब तो क्रॉस चेक करना बनता ही है, क्योंकि इतने सारे सामान में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है, जैसा कि हमारे साथ अक्सर होता है। क्योंकि विद किड्स हसल फसल ये सब होता रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो जाता है, लेकिन क्रॉस चेक करके हम वापस कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम नेसेसिटी आइटम से, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही कम लेके आई हूँ। वैसे एक्चुअली लाते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज घर में ऑलरेडी अवेलेबल होती है तो लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे यू नो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साथ साथ हम लोग मसाले, दाल वगैरह, ये सब चीजें जो इंडियन मसाले ये सब होते हैं, और कुछ नमकीन वगैरह भी, वो फ्रूटीकैना से ले आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिल्क की। ये है हमारा दूध, जिसमें है 2% फैट, और ये है 4 लीटर का डब्बा, जो कि है 5.39, मतलब $5.39 का ये है पूरा 4 लीटर का दूध। और ये जो दूध है, हम लोग मतलब अगर वीकली बात करें तो इसकी 3 बॉटल्स लग जाती है, मतलब ढाई लग जाती है। तो हम लोग 3 ऐसी बॉटल्स एक बारी में लेके आते हैं। जैसे अभी मैं 2 लाई हूं, क्योंकि एक पहले से रखी हुई थी, तो कभी 2 कभी 3 भी ऐसे भी हो जाता है। और फिर नेसेसिटी आइटम्स में सेकंड नंबर आता है ब्रेड का। तो ये हमारी ब्रेड है, ये है होल व्हीट ब्रेड, हम लोग यही ब्रेड लेते हैं। और ये मैंने एक्चुअली सब में मार्कर से रेट लिख लिए थे, तो ये $1.97 की आती है। तो ऐसी हम एक बारी में मतलब 1 वीक के लिए वही 2 ब्रेड ले आते हैं, फिर जब नेक्स्ट वीक जाते हैं तो फिर 1 ब्रेड लाते हैं। तो ऐसे मतलब हमारी 1.5 ब्रेड के करीब एक हफ्ते में लग जाती है। डिपेंड्स कि जैसे कई बार मान लो मैं बीमार हो गई तो तब ज्यादा भी लग जाती है। तो ब्रेड की बात है तो फिर बटर तो आएगा ही, तो फिर हम लोग ये वाला लेते हैं, गेली का बटर। ये 4.97, मतलब $4.97 का, ऑलमोस्ट $5 का ही बटर है। तो ये भी हम जब भी जाते हैं तो 1 या 2 तो ले ही आते हैं, मतलब फ्रिज में रखा रहता है,
तो कई बार नहीं भी लाना पड़ता है। तो ये है सॉल्टेड बटर, तो ब्रेड के साथ खाने के काम आता है, वैसे भी खा लेते हैं किसी और चीज के साथ भी। और ये है विसल का बटर 4.98, ये भी हम दो लाए। ये आता है अनसॉल्टेड बटर। तो अगर किसी को घी बनाना है तो घी के लिए, जैसे इंडिया में तो हम लोग मलाई निकाल के घी बनाते थे क्योंकि दूध में बहुत मलाई होती थी अगर फुल क्रीम लो, बट यहां पर ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कि अनसॉल्टेड आप बटर ले लो, नॉन सॉल्टेड अनसॉल्टेड, और उसको मतलब जैसे घी बनाते हैं बर्तन में वैसे आप इजीली घी बना सकते हैं, तो घी जैसे ही टेस्ट आता है। और नेसेसिटी की बात की जाए और विद किड्स तो पास्ता मैक्रोनी ये सब चीजें नेसेसिटी में ही आती है, तो ये पास्ता का पैकेट हम लाते हैं, अलग अलग ले आते हैं। तो इस बार हम लोग पेने पास्ता लेके आए हैं, तो कभी स्पेगेटी ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। तो ये जो है दो पैकेट लेके आई हूँ, एक बारी में दो पैकेट लेके ही आती हूँ क्योंकि सही रहता है। तो इसका मैंने रेट कहा था, दिस इज फॉर 97 सेंट्स। तो एक पैकेट 97 सेंट्स का वैसे आता नहीं है, लेकिन कई बार डिस्काउंट मिलता है आपको अच्छा खासा, तो इसलिए डिस्काउंट मिल रहा था तो इसलिए मैं दो पैकेट ले, वैसे मुझे अब लग रहा है मुझे चार पैकेट लेके आने चाहिए थे, बट हाँ 97 सेंट्स का कोई बुरा नहीं है एक पैकेट। और भाई बच्चों के साथ तो स्नैक्स के आइटम्स भी नेसेसिटी में ही आते हैं, तो कुछ बिस्किट्स वगैरह तो जरूरी हो जाते हैं, तो ये चॉकलेट बिस्किट बच्चे पसंद करते हैं। तो दिस इज फॉर 2.48 सेंट्स के ये बिस्किट का पैकेट है, चॉकलेट बिस्किट मतलब ओरियो का ही भाई आप इसको समझ लीजिए। तो स्वेजल को ओरियो बहुत अच्छे लगते हैं, कृषिव ने भी आजकल खाना स्टार्ट कर दिया बिकॉज वैसे उसको पार्ले जी का शौक है, पार्ले जी खाने का काफी शौकीन है वो, तो पार्ले जी तो फ्रूटी कैना में मिल जाते हैं बट यहाँ पर ये बिस्किट सही मिल जाते हैं। और ये जैसे मैं ये ओट मील के बिस्किट ये फर्स्ट टाइम लाई हूँ, वैसे मैं इससे पहले ओट मील के दूसरे फ्लेवर के बिस्किट लाई थी, तो ये भी ग्रेट वैल्यू जीवी यानी ग्रेट वैल्यू के, तो ये 2.98 का है, $2.98 मतलब $3 ही हो गया। तो ये बड़ा पैकेट है थोड़ा सा, ये छोटा पैकेट 2.48 और ये बड़ा पैकेट 2.98 का, और ये ओट मील बिस्किट है। इसके बाद बच्चों के लिए ये देखिए, ये भी जैसे इसी के बराबर ओटमील वाले बिस्किट के बराबर के साइज का पैकेट है, बट ये है चोको चिप वाला बिस्किट, मतलब पूरी चॉकलेट का बिस्किट नहीं है, इसमें बीच बीच में चॉकलेट चिप्स है, तो ये भी 2.98 वही मतलब $3 के करीब हो गया ये बिस्किट। तो अभी फिलहाल यही बिस्किट लाए, तीन काफी है, पहले के भी पड़े हुए। और इसी के साथ ये जो ये भी ग्रेट वैल्यू के हैं, ग्रेट वैल्यू की चीजें अच्छी मिल जाती है, 1.97 के चिप्स है, मतलब ऑलमोस्ट $2 का ये बड़ा पैकेट, इट्स बिग वन। तो ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, इसमें अनियन का और क्रीमी अनियन का टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी रिंग्स होते हैं ये। तो ये है इसमें और भी, जैसे ये दो पैकेट लाए हैं, एक बारी में दो ले आते हैं, तीन ले आते हैं अलग अलग, और दो ये ले आए हैं, ये भी 1.97 का। फिर एक ये जैसे पॉपकॉर्न्स आते हैं इंडिया में, वैसी पॉपकॉर्न का भाई है ये भी, बट ये बड़ा पैकेट है, तो ये भी 1.97 का ये पैकेट है। तो हम लोग मोस्टली प्रोडक्ट्स आप अगर देखेंगे तो ग्रेट वैल्यू के ही यूज करते हैं, जैसे कि ये पिज्जा स्टफ्स, ये भी बच्चों के लिए नेसेसिटी के आइटम है मेरे हिसाब से, क्योंकि कई बार हमारे लिए भी, तो ये बहुत ही टेस्टी है पिज्जा, मतलब इसमें पिज्जा का टेस्ट आता है, चीज भरी होती है इसमें, तो कभी कभी तो बनता है चीट डाइट वंस इन अ वीक तो बनता ही है, तो ये भी ग्रेट वैल्यू का है। और इसका प्राइस है $6.28 यानी कि $6.28, और ये काफी दिन तक चल जाता है, इसमें अच्छे खासे मतलब कि इसमें लिखा है 8 स्टफ्स, लेकिन 8 का अगर डबल कर दे क्योंकि हम लोग हाफ करके खाते, इतना बड़ा होता है वो, तो 16 बाइट्स एक बार को मिल जाती है। और इसमें पूरा मतलब ये भी अवन में आप इजीली बना सकते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग ज्यादातर जो सामान खरीद रहे हैं वो जीवी यानी कि ग्रेट वैल्यू का ही खरीद रहे हैं, क्योंकि ग्रेट वैल्यू एक्चुअली वॉलमार्ट का खुद का ब्रांड है, तो वो काफी रीजनेबल भी पड़ जाता है और काफी अच्छे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो हम लोग ज्यादातर वही लेते हैं, लेकिन और भी ब्रांड्स लेते हैं, जैसे कि
अब आप ये आपके ऊपर है। मैं वैसे तो मैं इसको नेसेसिटी में नहीं गिन रही हूँ, अब मैं चलिए अब नेक्स्ट लेवल का करते हैं, नेसेसिटी नहीं, अब थोड़ा टेस्ट वाले की टेस्ट के हिसाब से। तो ये है पिज्जा, रेडी टू कुक पिज्जा है। तो ये $3.47 का है, मतलब $3.47। हम लोग जैसे खाते हैं तो फिर दो पैकेट तो लग ही जाते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक पैकेट पिज्जा खा लिया, साथ ही ये चटपटे से आलू, फ्रोजन आलू आते उनको बना लेते हैं। तो ये जो फ्रोजन आलू है ये भी अगेन ग्रेट वैल्यू के ही है, और ये 2.47 का एक पैकेट है। तो ये अभी जैसे मैं दो पैकेट्स लाई हूँ $2.47 का, और फ्रिज में भी ऑलरेडी रखा हुआ है खुला हुआ पैकेट, तो ये तो काफी, ये मतलब काफी चल जाते हैं आलू। और ये पिज्जा भी इट ऑल डिपेंड्स, मतलब ये नेसेसिटी आइटम नहीं है, इमरजेंसी आइटम से मान लो कि मैं बीमार हो गई या मैं कहीं गई और मुझे आने में टाइम लग गया, तो ये लोग खुद इसको मतलब अवन में बेक करके खा सकते हैं। तो इसके बाद अब बात करेंगे हम इसकी, इसको आप नेसेसिटी में भी गिन सकते हो वैसे, क्योंकि ये एक अच्छी चीज है। तो ये है फ्लेवर्ड योगर्ट, और मेरे हिसाब से तो इसको हम नेसेसिटी में ले सकते हैं, बिकॉज ये प्रोबायोटिक होता है, और इसमें मतलब मेरे बच्चे तो स्पेशली स्वेजल तो इसको ऑलमोस्ट डेली यूज करती है, स्वेज को भी अच्छा लगता है। और इसमें अलग अलग फ्लेवर्स भी, जैसे स्ट्रॉबेरी है, रसबेरी है, ब्लूबेरी है, वनीला है। तो ऐसी डील्स जब मिलती है तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए, स्पेशली हम तो इसको रेगुलरली लेते ही हैं। तो पहले ये था 7.78 का एक था, जिसमें है 20 पैकेट पूरे। तो ऐसे मैं दो पैकेट ले आई थी। दो पैकेट क्यों लाई, अब आप ये सोचोगे, क्योंकि ये तो बार बार जाके लाया जा सकता है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट था ऑलमोस्ट हाफ रेट में, मतलब ऑलमोस्ट के हाफ में मिला, 3.89 का एक, तो 7 point something का जो एक पैकेट मिलता था वो हमें दो पैकेट मिल गए। तो ये ऐसी डील्स लगती रहती है, और डील नहीं भी होती तो भी ये तो हम लाते हैं, तो दैट मीन्स कि ये हमारे लिए नेसेसिटी आइटम हो गया। तो अभी मैंने पिज्जा की बात की थी, तो एक तरीके से हाँ मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि वो हमारे मतलब बच्चे हैं साथ में, तो वो नेसेसिटी हो गई, क्योंकि बच्चों के साथ तो पिज्जा हो गया, आइसक्रीम हो गई, ये सब आइटम्स होने चाहिए। लेकिन अब लग्जरी आइटम की बात करते हैं, जो कि बच्चों के लिए नहीं, हम अपने लिए लेके आते हैं, वो ये, वैसे ये भी नेसेसिटी है आप मान लीजिए, ये है आलू का पराठा। ये देखिए ये आलू का पराठा रेडी टू कुक, अगेन ये भी रेडी टू कुक है इसको, बट ये है कि तवे में आप बना सकते हैं, इनफैक्ट ओवन में भी आप बना सकते हैं। तो ये वाला हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, इट इज फॉर लाइक 10 point something का ये है। इससे पहले हमने दूसरे वाले ट्राई किए थे, छोटे वाले पैकेट दूसरी कंपनी के, तो इसको इस बार ट्राई करेंगे, बताएंगे आपको कैसा है। तो ये नेसेसिटी, लग्जरी, कुछ भी आप समझ लो, ये चीज है, ये इसको जरूर लग्जरी कह सकते हैं, बिकॉज ये है हमारा अपना समोसा, जो कि हम यहाँ पर मिस करते हैं। तो इट इज फॉर $3.47, तो काफी फिलिंग हो जाते हैं, और वंस इन अ वाइल हम खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 8 पीसेज है 3.47 की, और अभी फ्रिज में भी रखा हुआ है खुला हुआ पैकेट। तो ये लग्जरी में अगर बात करें तो ये आइटम्स भी लग्जरी के आइटम्स हो जाते हैं, जो कि मतलब अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी काम चल जाएगा। तो हम ये लेके आए क्योंकि इनमें डिस्काउंट है, ये है 2.80 और ये भी 2.80। ये है क्रोसॉन्ट, ये मिनी क्रोसॉन्ट है, ये बहुत टेस्टी लगता है, ये मसाले वाला है, और ये वाला जो है ये है कर्व क्रोसॉन्ट। तो अगर इनको वैसे खाओ तो वैसे भी चाय के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर अवन में बेक करके खाओ ना, इतने टेस्टी, इतने क्रिस्पी, और उसमें इनका जो बटर निकल के आता है ना, वो तो वंस इन अ वाइल खा सकते हैं। तो ये है हमारे लग्जरी आइटम्स, और इनमें भी सेल लगी, मतलब डिस्काउंट था, तो 2.80 का मिल गया। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पहले ये 3.73 के थे, लेकिन अब ये 2.80 के, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत तो मिला ही। लेकिन हाँ, अगर इनमें डिस्काउंट नहीं होता तो शायद हम लोग नहीं खरीदते, तो दैट मीन्स कि ये लग्जरी आइटम है। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा लग्जरी आइटम, केक खाने का बहुत मन कर रहा था बहुत टाइम से, तो ये केक हम ले आए। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, इसमें ये हमें $5 का पड़ा, वहां पर सजाया हुआ था कि $5 ईच, तो मेरा मन आ गया तो मैं ले आई। तो बट इसको हम आराम से खाएंगे केक, और मेरे को थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा था, मेरा पता नहीं केक खाने का बहुत मन कर रहा था। तो ये सब था
लेकिन आप केक के बाद एक और चीज रह गई जो बच्चों को बहुत पसंद होती है और लाना बहुत जरूरी हो जाता है, ये है चॉकलेट्स। तो बच्चों के साथ जाओ और कुछ चॉकलेट ना लाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये 98 सेंट्स की किटकैट, 98 सेंट्स की किटकैट और ये भी 98 सेंट्स की दोनों चॉकलेट है। ये तो मैं अपने लिए लेके आई हूँ, तो बच्चे ज्यादातर किटकैट खाते। तो ये तो थी हमारी शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग, जो कि लगभग कुछ चीजें एक हफ्ता चलेंगी, कुछ चीजें 10 दिन चलेंगी, कुछ चीजें 15 दिन भी चल सकती है। ऐसा नहीं है कि बस एक हफ्ता उनका डेडलाइन है, लेकिन जैसे बीच बीच में जैसे ब्रेड खत्म हो गई, दूध खत्म हो गया, तो हम थोड़ी बहुत चीजें लेने भी चले जाते हैं। और ज्यादा इमरजेंसी है तो हमारे घर के बगल में एक शॉप है, वहां थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन इमरजेंसी में जा सकते हैं। तो आज का मेरी शॉपिंग जो हुई है टोटल 139.58 यानी कि $139.58 की मेरी शॉपिंग हुई है फ्रॉम वॉलमार्ट ग्रॉसरी शॉपिंग। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मेरे पैसे खर्च हुए ना, मतलब डॉलर्स खर्च हुए, इतने नहीं हुए, इससे और भी ज्यादा डॉलर्स खर्च हुए, क्योंकि यहां पर एमआरपी नहीं होती है बिल्कुल। यहां पर ऐसा होता है कि अगर आपने वॉलमार्ट से कुछ चीज खरीदी और फ्रूटी कैनर से खरीदी या फिर कॉस्को से खरीदी या कहीं और से खरीदी, तो सबके यहां जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं दूध की, तो ये है हमारा दूध 4 लीटर्स का जो दूध का पैकेट है, तो ये हमें $5.39 का पड़ता है इन वॉलमार्ट। लेकिन अगर हम वही फ्रूटी कहना चाहें तो ऑलमोस्ट $1 ज्यादा का हमें ये सेम दूध मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग जगह है। अब जैसे फ्रूटी कहने का मैंने एग्जांपल दिया, तो वहां पर अगर हम सब्जियां लेने जाएं तो वो सब्जियां फ्रूटी कहना में थोड़े अच्छे रीजनेबल रेट्स में मिल जाएंगी, लेकिन वही सब्जियां मैंने जो गौर किया है वॉलमार्ट में थोड़ी सी महंगी हो जाती है, लेकिन वही ऊपर नीचे होता रहता है हर जगह। तो ये आपको ध्यान में देना है, ध्यान रखना है। तो वही ये सब चीजें हम लोग तभी वॉलमार्ट से लेते हैं एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग फ्रूटी कहना से लेते हैं। तो अब बात होती है टैक्स की। इंडिया में हम जो सामान लेते हैं तो उसमें टैक्स जुड़कर आता है, हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमने दूध लिया 1 लीटर, तो वो अगर 80 रुपीज का 1 लीटर दूध हमें हम खरीद रहे हैं, तो उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है, टैक्स इंक्लूसिव लिखा भी होता है चीजों में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको टैक्स अलग से देना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी शॉपिंग करने जाए कैनेडा में किसी भी चीज की, तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो उसमें रेट लिखा हुआ है आपको उससे हमेशा एक्स्ट्रा ही पे करना है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि $139.58 की हमारी शॉपिंग हुई है, तो उसमें टैक्स कितना लगा। तो इसमें जो GST है 5% लगता है एंड PST 7%, यानी कि टोटल 12% टैक्स लगता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आप इंडिया से यहां आने की तैयारी कर रहे हैं तो घबराइए मत। देखिए, एक बात है कि अगर आप कनाडा में रह रहे हैं और आप डॉलर्स को अगर रुपीस से कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा ही चीजें यहां पर महंगी दिखाई देंगी, डॉलर्स हमेशा महंगा दिखाई देगा। लेकिन अगर आप डॉलर्स में ही कमा रहे हैं तो डॉलर्स में खर्च कर सकते हैं। और ये बात भी सही है कि कनाडा में अगर मैं देखूं, अगर इनफैक्ट अगर मैं 2-3 महीने पहले का ही देखूं, तो चीजें महंगी हो रही हैं, जैसे कि हर कंट्री में हो रही है, तो यहां भी वो चीज हो रही है। लेकिन आप अगर यही सोचते रहे कि भाई अगर मैं इसको रुपीस में वहां इंडिया में खरीदता तो मेरे को बहुत सस्ता मिल जाता और यहां पर बहुत महंगा है, तो फिर तो आप लाइफ एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। साथ ही मैं ये भी बोलूंगी कि हर इंसान, हर फैमिली अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग करते है, चाहे इंडिया हो या कनाडा या कोई और कंट्री। तो यहां पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू ओनली कि आप कैसे अपना बजट कैलकुलेट करते हैं। नेसेसिटी आइटम्स तो जरूरी ही है, वो तो सबको लेने ही पड़ते हैं, और लग्जरी में आप कितना खर्चा करते हैं तो ये आपको देखना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना बजट। तो एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि सबको अपने बजट के हिसाब से खर्चा करना है, चाहे वो इंडिया हो या कनाडा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।